सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इस पर तत्काल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि चुनावी बॉन्ड असंवैधानिक है और इस पूरे सिस्टम में पारदर्शिता नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में निर्देश दिया है कि चुनावी बॉन्ड बेचने वाले बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3 हफ्ते में चुनाव आयोग के साथ सभी जानकारियां दें। केंद्र सरकार द्वारा साल 2018 में सियासी दलों को चंदा देने के लिए जारी किए गए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को अवैध करार देते हुए उस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, वोटर को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का हक है। कोर्ट ने ये भी कहा कि बॉन्ड खरीदने वालों की लिस्ट को सार्वजनिक करना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में निर्देश दिए हैं कि चुनावी बॉन्ड बेचने वाली बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3 हफ्ते में यानी 13 मार्च तक चुनाव आयोग के साथ सभी जानकारियां वेबसाइट पर साझा करे। आगे आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत साल 2018 में की गई थी। इलेक्टोरल बॉन्ड फाइनेंस एक्ट 2017 के द्वारा लाए गए थे। इन चुनावी बॉन्ड्स को लाने का मकसद राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाना था। SBI बैंक के माध्यम से बॉन्ड खरीदकर चंदे में दिए जाते हैं। आम जनता, कॉरपोरेट और संस्थाएं कोई भी इन बॉन्ड्स को खरीद सकता है। भारतीय स्टेट बैंक की 29 ब्रांच इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए अधिकृत हैं, जिनमें नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गांधीनगर, चंडीगढ़ SBI ब्रांच, पटना, रांची, गुवाहाटी, भोपाल, जयपुर और बेंगलुरु की SBI ब्रांच। ये बॉन्ड साल में 4 बार जारी किए जाते हैं। जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में ये बॉन्ड जारी किए जाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड बैंक की शाखा में जाकर या वेबसाइट पर ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। वही इलेक्टोरल बॉन्ड की खूबी क्या होती है वो भी जानिए। कोई भी डोनर अपनी पहचान छुपाते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1 करोड़ रुपए तक मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदकर अपनी पसंद के राजनीतिक दल को चंदे के रूप में दे सकता था। ये व्यवस्था दानकर्ताओं की पहचान नहीं खोलती और इसे टैक्स से भी छूट प्राप्त है। आम चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल करने वाले राजनीतिक दल को ही इस बॉन्ड से चंदा हासिल हो सकता था। वही ये बॉन्ड कैसे काम करते हैं तो बता दें कि एक व्यक्ति, लोगों का समूह या एक कॉरपोरेट बॉन्ड जारी करने वाले महीने के 10 दिनों के भीतर SBI की निर्धारित शाखाओं से चुनावी बॉन्ड खरीद सकता था। जारी होने की तिथि से 15 दिनों की वैधता वाले बॉन्ड 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, 10,00,000 रुपए और 1 करोड़ रुपए के गुड़कों में जारी किए जाते थे। ये बॉन्ड नकद में नहीं खरीदे जा सकते और खरीदार को बैंक में KYC फॉर्म जमा करना होता था। आपको बता दें कि चुनावी बॉन्ड को लेकर चुनाव आयोग भी इसके खिलाफ था। केंद्रीय बैंक RBI इसकी खिलाफत करती आई है, लेकिन केंद्र सरकार का मानना था कि राजनीतिक दलों को चंदा देने का यही सही माध्यम था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के ऐलान से महीने भर पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वैधता को अवैध करार देकर बड़ा फैसला दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।